हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आलू और परवल की रसेदार सब्जी बनाने जा रही हूँ। ये रसेदार सब्जी बनाने के लिए हमने आलू काट लिए हैं और ये परवल हमने काट लिए हैं। आलू परवल को काट कर हमने अच्छे से धोकर साफ कर लिया है। और ये मसाले में हमने जीरा हमने आधा चम्मच लिया है, एक चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च, एक बड़े चम्मच धनिया पाउडर, गरम मसाला और ये हमने हरी मिर्च काट ली है, अदरक लहसुन का पेस्ट, पिसा हुआ प्याज और ये हमने टमाटर पीस लिए हैं और ये हमने दो तेज पत्ता लिए हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब मैं परवल फ्राई कर लेती हूँ। परवल हमारे फ्राई हो गए हैं, मैं इन्हें बाहर निकाल लेती हूँ। अब मैं आलू फ्राई कर लेती हूँ। आलू भी हमारे फ्राई हो गए हैं, अब मैं इन्हें भी तेल से बाहर निकाल लेती हूँ। अब मैं इसी तेल में जीरा डाल देती हूँ, तेज पत्ता, हरी मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट, अब मैं सभी मसाले डाल देती हूँ। पिसा हुआ प्याज, अब इसी मसाले में मैं ये सब्जी मसाला डाल देती हूँ। अब मैं इसमें टमाटर का पेस्ट डाल लेती हूँ। अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ ताकि मसाले जल्दी से पक जाएं। इन मसालों को मैं मीडियम गैस पर पकाऊंगी। आप लोग देख सकते हैं मसाले से तेल हमारा बाहर आ चुका है और हमारा मसाला बहुत अच्छे से पक चुका है। अब मैं इसमें हमने जो आलू और परवल फ्राई किए थे अब मैं इसमें वो डाल देती हूँ।
और धीमी गैस पर 2 मिनट के लिए ढक देती हूँ। 2 मिनट हो गए हैं, आलू और परवल की सब्जी हमारी बहुत अच्छे से भून गई है। अब मैं इसमें ग्रेवी के हिसाब से पानी डाल देती हूँ। आलू और परवल हमारे पहले से ही पके हैं, इसलिए मैं तेज गैस पर इसे पका लेती हूँ। थोड़ा सा नमक हमने पहले भी डाला था, इसलिए अब कम डाल रही हूँ। और सब्जी को 2 मिनट तक ढककर और पका लेती हूँ।